सुरक्षा के तत्वाधान में संविधान बचाओ भारत बचाओ आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर कार्यालय के पास गांधीवादी तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक के संयुक्त तत्वाधान में संविधान बचाओ भारत बचाओ आंदोलन में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर सभी भारत के सच्चे हितेशी डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए भारतीय संविधान में सच्ची आस्था रखने वाले आम जन में अपना उपस्थित दर्ज कराने हेतु सिंगरौली जिले के सर्वदलीय समाज सेवियों अशरफ अली अंसारी संजय वर्मा कामता बशौर मिन्हाज खान मोहम्मद शाहिद खान रतिभान वर्मा जम्मू बैग विजय भाई उसैद हसन सिद्दीकी अधिवक्ता सुदामा साकेत अधिवक्ता सरोज वर्मा अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद वर्मा जिया उर रहमान रियाज मोहम्मद शिवशंकर साकेत हाजी अब्दुल कादिर अनिल रावत हाजी मोहम्मद वशी मुन्नान खान सुरेश शाह सैयद परवेज आलम ईशा खान निर्भय अम्बेडकर मोहम्मद यूसुफ सुदामा कुशवाहा आदि मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सामाजिक संगठन गैर राजनीतिक संगठन समाज सेवी अधिवक्ताओं से पुरजोर अपील करके उक्त कार्यक्रम में उपस्थित होकर उक्त काला कानून का विरोध करने के साथ साथ जन आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। साथ ही उक्त आशय की जानकारी मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता उसैद हसन सिद्दीकी ने दी। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।